जैन दोस्तों स्वागत है जनपद सबसे बड़ी खबर के साथ एक बार से सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से अपनी फूट तो रुक नहीं रही। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अपने ही लोगों को भेजकर कांग्रेस पार्टी में फूट दिखाने की जा रही है कोशिश, बताएंगे आपको। मीडिया ने पकड़े हैं कई सारे ऐसे लोग और सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो हो रही है वायरल। इसी के साथ में आपको बताएंगे राजस्थान के अंदर कम से कम 4500 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिया है एक साथ इस्तीफा, बताएंगे आपको। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई है दोस्तों। इसी के साथ में देश के किस चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मोदी के साथ अगर मैं मंच पर दिख गया तो लोग मुझे वोट नहीं देंगे, चुनाव हार जाऊंगा, बताएंगे दोस्तों। कौन है ये मुख्यमंत्री और क्यों उन्होंने ये बातें कही है। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के टिकट बंटवारे में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता को आया हार्ट अटैक, इस मामले को लेकर पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ जिन बीजेपी के नेताओं को टिकट नहीं मिला है वो टिकट के लिए विरोध कर रहे हैं, और जिन नेताओं को टिकट मिल गया है उनको प्रचार के दौरान जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, बताएंगे कहां से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उसी के साथ में राजस्थान के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी के जीत के बड़े संकेत मिले, क्या रुझान शुरू हो गया है। अशोक गहलोत की ओर से केंद्र सरकार की एक कार्रवाई को चुनाव जीतने से जोड़कर कही गई है ऐसी बात, जिसे सुनकर लग रहा है कि बिल्कुल इस बार राजस्थान की जनता राज नहीं बल्कि रिवाज बदलने जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान के अंदर जनता इंडिया के समर्थन में वोट करने वाली है और परिवर्तन की जोरदार लहर मध्य प्रदेश में चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कई लोगों को भेज विरोध दिखाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर इन बच्चों को भेजकर विरोध दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की ओर से वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कई सारे बच्चे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर आकर खड़े हैं और इस पर लिखा है निवाड़ी 46 का टिकट बदला जाए। जब बच्चों से पूछा गया कि उन्हें यहां पर किसने भेजा है तो पूरे मामले पर पोल खुल गई है कि बीजेपी के लोग पैसा देकर कांग्रेस पार्टी में विरोध दिखाने के लिए उनके दफ्तर में लोगों को भेज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोले, कहा भाजपा की गिरी हुई राजनीति उजागर हो गई है। कांग्रेस में विरोध दिखाने के लिए पैसा देकर भोपाल के बच्चों को भेजा जा रहा है, ये खुद को किसी दूसरी विधानसभा का बताकर प्रदर्शन कर रहे हैं। निवाड़ी के नाम पर आए इन बच्चों से पूछा गया तो ये अपने आप को भोपाल का बता रहे हैं, यानी निवाड़ी क्षेत्र के अंदर प्रत्याशी बदलने के लिए इन बच्चों को भेजा गया है विरोध करने के लिए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो कहां को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की साजिश उभरती दिखाई दे रही है दोस्तों। साथ साथ राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां और तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी द्वारा दो दो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद अब चुनावी माहौल भी बनना शुरू हो गया है। टिकट वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि चित्तौड़गढ़ हो या फिर अन्य कोई सीट हो, गलत टिकट वितरण को लेकर जोरदार प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि ऐसा ही विरोध प्रदर्शन राजस्थान के मकराना विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और सरपंच प्रकाश भाकर को टिकट नहीं दिए जाने के कारण 4500 कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। इनमें 3500 पन्ना प्रमुख है, 190 बूथ के अध्यक्ष हैं, 5 में से 4 मंडल के अध्यक्ष हैं और 17 आईटी संयोजक हैं। 3 युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही पार्टी हाईकमान से मांग की गई है कि टिकट पर विचार करके पार्टी को टिकट बदलने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। ऐसे में अब देखना है कि आखिरकार पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सुनकर मकराना की सीट से अपना उम्मीदवार बदलती है या नहीं बदलती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से सुमित्रा भीचर को मैदान में उतारा है, यानी अब टिकट बंटवारे के बाद टिकट बदलने की मांगे की जा रही है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध एक नए शिखर पर पहुंच चुका है। सोमवार को पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने बीजेपी छोड़कर बीएसपी ज्वाइन कर ली है। रुस्तम सिंह अपने बेटे राकेश सिंह के लिए मुरैना से टिकट की मांगे कर रहे थे, यानी उनके टिकट को लेकर बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि उनकी उम्र हो गई है, 75 वर्ष से ज्यादा के लोगों को बीजेपी टिकट नहीं देती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये नियम हर जगह फॉलो नहीं करती है, लेकिन बीजेपी के नेता रुस्तम सिंह जो पूर्व मंत्री भी है उनको दरकिनार करने के लिए एज का हवाला दिया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन ये टिकट नहीं दिया गया, तो अब बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनके संबंध है, बीजेपी के ज्यादातर वोटर उनके संपर्क में रहते हैं, तो बीएसपी से वो बीजेपी में काफी ज्यादा सेंधमारी करने वाले हैं। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मुरैना से रघुराज कसाना ने चुनाव जीता था, लेकिन इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बगावत की, जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की गई, उसके बाद कसाना ने भी 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर ली सिंधिया के साथ में। इसके बाद दोबारा से उपचुनाव हुए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के राकेश मावई से चुनाव रघुराज कसाना को हारना पड़ा। इसके बाद रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह मुरैना से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन अब ये टिकट बीजेपी ने वापस से उन्हीं को दे दिया है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पन्ना जिले के पवई सीट से बीजेपी के मौजूदा विधायक प्रहलाद जोशी को टिकट दिया गया, जिसका विरोध देखने को मिल रहा है। लोगों ने जमकर नारेबाजी की है, 10 कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफा देते नजर आए हैं। साथ साथ दोस्तों मिजोरम के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री जोरम थंगा की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया है जिससे आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर
भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई क्यों गठबंधन क्यों नहीं करना चाहता। दरअसल दोस्तों मिजोरम के सीएम जोरमथांगा का कहना है कि अगर मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करूंगा तो मुझे चुनाव में नुकसान होगा, लोग मणिपुर पर नाराज है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मणिपुर में जिस तरीके की सरकारें चलाई जा रही है, जिस तरीके से हिंसा आज तक बीजेपी से नहीं थामा गया है, मिजोरम में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यही बड़ा कारण है कि अब प्रधानमंत्री के साथ भी मंच शेयर नहीं करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री यानी सरकारी कार्यक्रम के तौर पर भी मंच पर दिखाई नहीं देना चाहते हैं। साथ साथ दोस्तों बीजेपी प्रत्याशियों को भगा रही है जनता। बिना के बीजेपी के विधायक एवं प्रत्याशी महेश राय का जनता ने जोरदार विरोध करते हुए खदेड़ा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि जनता बीजेपी को भगा रही है, मध्य प्रदेश में खुशहाली ला रही है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर कई लोग चौंक गए हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता को हार्ट अटैक आ गया। पूर्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। उमा शंकर भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से टिकट के प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काटकर भगवान दास सवनानी को मैदान में उतारा है। उमा शंकर गुप्ता का टिकट कटने के बाद भोपाल में एक और बीजेपी में टिकट वितरण पर असंतोष जाहिर किया जा रहा है। कार्यकर्ता नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। उमा शंकर गुप्ता ने साल 2018 विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ा था, जहां पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पीसी शर्मा से उनको चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और ऐसे में अब हार्ट अटैक की ये खबर सामने आने के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या टिकट नहीं मिलने के कारण उनको झटका लगा जिस कारण ये हार्ट अटैक आया है, एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान ने ताल ठोका है, बुरहानपुर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहां से बीजेपी के लिए एक और बड़ी चुनौती है। दोस्तों साथ साथ बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध मध्य प्रदेश में जारी है। बीजेपी के विधायक और प्रत्याशी ठाकुर दास नागवंशी को पिपरिया विधानसभा के अंदर ग्राम उमरघास में लोगों ने जमकर खदेड़ा है। बीजेपी के विरोध में गांव में पूरी दुकानें बंद रही। इसके बाद दोस्तों सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी को लेकर इस तरीके का विरोध क्यों देखा जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी की पिछले कई सालों से चल रही सरकार को लेकर इतनी नाराजगी है कि बीजेपी को लोग देखना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि 2018 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर लगभग 15,000 के वोटों के अंतर से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरीके से पलट गई है दोस्तों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी मजबूत दावेदार मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 2023 के चुनाव को लेकर गुरुचरण खरे को मैदान में उतारा है। 1960 में जन्मे कांग्रेस पार्टी के नेता ने अपनी पूरी राजनीति कांग्रेस पार्टी के अंदर की है। पिपरिया नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है, अनुभवी नेता है। तो हो सकता है कि इस बार बीजेपी को इस सीट पर यानी पिपरिया विधानसभा के अंदर बड़ी हार का सामना करना पड़े। वही दोस्तों सच हो गई हिंडनबर्ग की भविष्यवाणी, अडानी के डूब गए 3,65,000 करोड़ रुपए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी की रिपोर्ट में ग्रुप के खिलाफ कॉर्पोरेट घोटाले से संबंधित आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से ग्रुप कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। उस समय ग्रुप के वैल्यूएशन $150 बिलियन की गिरावट देखने को मिली थी। अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को खंडन किया था, लेकिन अब आखिरकार फिर से जो दावा किया गया था वैसा ही हुआ है। लगभग 3,65,000 करोड़ का नुकसान अडानी ग्रुप को हुआ है। खुलासे के बाद साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें बीजेपी के मध्य प्रदेश के प्रभारी किस तरीके से टिकट बंटवारे के बाद छुटे हुए भाग रहे हैं, ये दिखाया गया है। दोस्तों प्रभारी पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटने के बाद जो बैक डोर से नेता भाग रहे हैं, इसे दिखाने का प्रयास किया गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इस बार प्रदेश के अंदर रिवाज चलने वाला है, क्या आपकी सरकार जाने वाली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार रिवाज बदलने वाला है, राज नहीं बदलेगा। और उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिस तरीके से ईडी की छापेमारी पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही है, ये एक तरीके से चुनावी रुझान है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है। अचानक से चुनावी राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई और आईटी जमकर एक्टिव हो गई है। सांसद प्रियंका गांधी की 28 अक्टूबर को दमोह के अंदर जनसभा होने वाली है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी दमोह में जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि 28 अक्टूबर को प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। कमलनाथ की आने वाली 6 दिनों के अंदर सभाओं का भी डेटा दिया गया है। कमलनाथ 24 अक्टूबर को यानी आज छिंदवाड़ा में जनसभा करेंगे, 26 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में नामांकन दाखिल करेंगे, 27 तारीख को बैतूल के शाहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, 28 तारीख को दमोह के अंदर प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद 29 अक्टूबर को रायसेन और कुरवाई में जनसभा होगी, 30 अक्टूबर को इंदौर में रैली और जनसभा किया जाएगा। चंबल के अंदर बीजेपी के एक और बड़े नेता ने इस्तीफा दिया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को गुर्जर समाज के अंदर अब भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि रुस्तम सिंह गुर्जर समाज से आते हैं और चंबल क्षेत्र के अंदर उनके इस्तीफे के कई मायने हैं। साथ साथ दोस्तों पोस्टरों में अखिलेश यादव को बताया गया अगला प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए भावी प्रधानमंत्री यानी अगला प्रधानमंत्री बताया गया है। इस पर कांग्रेस पार्टी
पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारे नेता अपने नेता को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, सबकी महत्वाकांक्षा है, इससे इंडिया गठबंधन में फूट है, ये कहना पूरी तरीके से गलत है। साथ साथ दोस्तों प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होने के बाद प्रदेश के अंदर कई जगह विरोध देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आख्या का टिकट कटने के बाद उनकी जगह जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी को मैदान में उतारने पर चंद्रभान सिंह आख्या के समर्थकों ने जोरदार आक्रोश व्यक्त किया है। जिस तरीके की रैली उन्होंने करके दिखाई है, स्पष्ट हो चुका है कि वो एक बड़े नेता है। चंद्रभान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता ने सोचा था कि 10 साल मैं MLA रहा हूं, अब भी जनता सोचेगी कि वो मेरे साथ रहे क्योंकि मैंने जनता के लिए बहुत काम करके दिखाए हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आप जिताऊ उम्मीदवार नहीं थे जो आपका टिकट काटा गया? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आपसी गुटबाजी के कारण ये टिकट काटा गया है, ना राजवी जी की पकड़ है और ना मेरी कोई नेगेटिव इमेज है। मैं जिताऊ कैंडिडेट था, अच्छी स्थिति में था, सर्वे में भी अच्छी रिपोर्ट मेरे लिए गई थी, लेकिन इसके बावजूद टिकट काटा गया है। जिस स्तर पर उतरकर उन्होंने एक बड़ी रैली करके बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दी है, ये बात तो स्पष्ट है कि वो भी मैदान में उतरने वाले हैं, केवल समय का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।